गीता अगर योग का विषय है तो रामचरितमानस संयोग का विषय है, लेकिन हमारी भागवत तो वियोग का विषय है। भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं मेरे पागलो, भागवत से मृत्यु से महोत्सव की ओर जाया जा सकता, भागवत मृत्यु से मोक्ष की यात्रा है। मृत्यु मोक्ष का मतलब मर जाना नहीं है, मोक्ष पाने का मतलब मर जाना नहीं है, ना गलत, मोक्ष पाने का मतलब जिसे जीते जी जो कामनाओं से मुक्त हो जाए उसी का नाम मोक्ष कहलाता है। और यही भागवत सिखाती है। इसलिए अपने मन को पवित्र करने के लिए, चरित्र की शुद्धि के लिए, अपनी व्यथा को मिटाने के लिए कथा सुनना जरूरी है। क्या जरूरी है बोलो बोलो, जोर से बोलो। लेकिन हम लोगों को भैया इतनी कथा सुन ली कल्याण क्यों नहीं हो रहा पंडित जी? कथा सुन भी रहे हो कि नहीं सुन रहे, निर्णय तो करो। बहुत लोग आते हैं, गुरु जी हम आपकी बहुत कथा सुनते हैं बैठकर। ये जरूरी नहीं है कि तुम कथा में बैठे कि नहीं, ये बहुत जरूरी है कि कथा तुम्हारे अंदर बैठी कि नहीं। कथा में तो लाखों लोग यहां बैठे, देखो पूरा पंडाल भरा पड़ा, तीनों पंडाल भरे हैं, सामने भी खड़े हैं। मेरे पागलो, ये तुमने उपकार नहीं किया कि तुम कथा में बैठ गए, हम तुम्हारा उपकार तो तब मानेंगे जब हमारी कथा तुम्हारे भीतर बैठ जाए। और अगर कथा भीतर बैठ गई सोई कल्याण हो गया। भगवान जी का तो एक नाम का अक्षर भी कल्याण कर देता है, बोलो सीताराम। अरे एक नाम क्या, सीधा नहीं उल्टा नाम। रामायण पढ़ो, वाल्मीकि जी के लिए लिखा, उल्टा नाम जपौ जग जाना। करके वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए। ब्रह्म के समान मतलब ब्रह्म को जान गए। वही जाने जिह देह जनाई, जानत तुम्हें तुम्ही हुई जाई। भगवान को वही जान सकता जिसे भगवान जना दे। वाल्मीकि जी कैसे जान गए? सीधा नाम जप करने वाले नहीं जान पाए, पर वाल्मीकि जी उल्टा नाम जप करके जान गए। हाउ कैन पॉसिबल, कैसे संभव हुआ? भैया असंभव कुछ है ही नहीं है। किसी भी बारात में दारू खोर जाता है पीने वाला, 15 मिनट में नई जगह पर ठेका खोज लेता है। 15 मिनट में, विदिन 15 मिनट में ठेका खोज लेता पीने वाला नई जगह पर। बताओ जब नई जगह पर 15 मिनट में ठेका पीने वाला खोज लेवे, तो हम लोग 40 साल की जिंदगी में भगवान को नहीं खोज पाएंगे। असंभव है नहीं कुछ, सब कुछ संभव है, बस करने की आवश्यकता है। जो कर पाएगा सो पा पाएगा, जो जागेगा वही पावेगा, जो सोएगा वही खोएगा। जागने का मतलब आंख का खोलना नहीं, जागने का मतलब आपके दिल और दिमाग का खोलना है। बोलो सीताराम। तो भैया भगवान को पाना क्या संभव है? बोले हाँ है। कैसे? एक तो भगवान की कथा, दूसरा संतों का संग, क्योंकि संत ही भगवान के स्वरूप हैं, उनकी कृपा से भगवान को पाया जा सकता है। पर महाराज जी संतों का लक्षण क्या है? तितिक्ष्वाहा कारुणिकाहा सुहृदा सर्वदेहिनाम अजात शत्रुवाहा शांता साधवा साधु।
साधु भूषणा। संत कौन? जो सदा भगवान में रमा रहे, अजात शत्रु हो, जिसका कोई ना मित्र हो ना शत्रु हो। संत कौन? जो बड़ा निर्मल हो। संत ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। ऐसे संत के चरण पकड़ने से भी भगवान की प्राप्ति होती है। तीसरा उपाय है खुद का जागना, जिसे कहते आत्मज्ञान। उसको अंग्रेजी में कहते हु आई एम, मैं कौन हूं। इसी को जानना आत्मज्ञान। पर खुद को जानना आत्मज्ञान है, प्रभु को जानना परमात्मा का ज्ञान है। पर खुद को जानेंगे कैसे? बोले दर्पण से। दर्पण झूठ नहीं बोलता। दर्पण के सामने खड़े हो जाओ, काले हो, कलूटे हो, गोरे हो, नाटे हो, मोटे हो, पतले हो, शीशा बता देता है आप कैसे हो। उसी प्रकार यह कथा भी दर्पण है। इसके सामने जब भी तुम बैठोगे, ये बता देगा कि तुम लंबी लंबी फेंकते जरूर हो, पर हो कितने पानी में ये कथा ही बता सकती है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अब ये बात आज समझ में आ गई कि कथा सुनना बहुत ही अच्छा। एक और बुरा न मानना, बोल देना चाहिए, बोलने वाली बात है। भगवान ने कान कितने दिए हैं और मुंह? भगवान ही स्पष्ट कह रहे कि सुनो ज्यादा बोलो कम। ये दो कान देने का मतलब क्या है? सुनो ज्यादा बोलो कम। और हम लोग उल्टा कर रहे, बोल ज्यादा रहे सुन कम रहे। इसलिए तो हैरान है, भगवान ने जन्म देने के बाद आदमी को दो पुड़ियां दी, दो चीजें दी, एक दिल एक दिमाग। बोले क्यों दी? बोले दिल दिया भगवान ने खुद को लगाने, खुद में लगाने के लिए, दिमाग दिया दुनिया में लगाने के लिए। हम लोगों ने उल्टा कर दिया, दिल लगा रहे दुनिया वालों से, दिमाग लगा रहे भगवान लो। अबे कहते हैं कि हमारा दिल टूट गया। अब ऐसा दिल टूटे ना तो क्या हलवा हो? बोलो सीताराम, जोर से बोलो।